मेरा नाम एडवोकेट अबुजे जावेद इराकी है। मैं APCR का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हूँ थाना का। सर, ये MM वैली हॉस्पिटल को लेके पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आज वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो वहाँ MM वैली के लिए जो बिठाया गया था, बेंच बिठाया गया था, उसकी जो पूरी जानकारी थी 8 तारीख को देनी थी, तो 8 तारीख के बाद अभी क्या हुआ है कोर्ट के अंदर? 27 सितंबर को कोर्ट का आदेश था, जिसमें कोर्ट ने 3 कमेटी मेंबर को गठित किया था, जिसमें एक JJ हॉस्पिटल के नॉमिनेटेड डीन के डॉक्टर थे, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे सिविल महाराष्ट्र शासन के, और एक एडवोकेट मीनास ककलिया थे। उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना था, जिसके अंदर जो हॉस्पिटल है अकीम अजमल खान हॉस्पिटल TMC का, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या इक्विपमेंट्स है, और अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ है, उसका पूरा तफसील उनको देना था 8 तारीख तक। तो वो रिपोर्ट 8 तारीख को उन्होंने सबमिट कर दिया है, जो कोर्ट ने अपने रिकॉर्ड पे ले लिया है, और कल मैटर निकला और कल कोर्ट ने हमको बताया कि वो रिपोर्ट आ चुकी है और आप उसी फाइल लेकर के अपना तबसरा अगले दिन में दीजिएगा। तो ये जो रिपोर्ट आई है, देखने के बाद आप लोग कब तक फिर कोर्ट का रुख करेंगे? कोर्ट में अगली तारीख 29 नवंबर का है। कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट का जो भी रिस्पॉन्स है, दोनों पार्टी, हम पेटिशनर्स APCR और कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट, वो रिस्पॉन्स 29 नवंबर तक दे। मनपा को हलफनामा देना था, तो अभी तक मनपा ने क्या हलफनामा वो दिया? कोर्ट ने 27 सितंबर को एक आदेश पारित किया था, जिसमें मनपा को कहा था कि आप हलफनामा भी दाखिल करिए कि एक अस्पताल कब तक शुरू कर रहे हैं आप। तो ये अचंभे की बात है कि कॉरपोरेशन ने अब तक अपना हलफनामा नहीं दिया है। और सर, ये भी बताया जा रहा है, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों से बात उड़ रही है मुमरा में, प्राइवेट का प्रोसेस पूरा मुकम्मल होने पे है और उसका अभी कभी भी प्राइवेट हो सकता है, तो इसके लेके, इस चीज़ को लेके कोर्ट में बातचीत हुई है? कोर्ट में हमारे सीनियर काउंसिल यूसुफ मुछाला सर ने इस बात को पेश किया, तो कोर्ट ने उनसे बात परस की कि आपने क्या प्राइवेटाइजेशन कर दिए है, तो उन्होंने बोला कि हमने सिर्फ टेंडर फ्लोट किया है। तो कोर्ट ने उनको आदेश पारित किया ओरली कि आप अगले तारीख तक कोई वर्क ऑर्डर इशू ना करें, और उनके जो सीनियर काउंसिल थे, उन्होंने कॉरपोरेशन के जो ऑफिसर थे उस वक्त, उनको कहा कि आप कोई वर्क ऑर्डर इशू ना करिए। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगले तारीख तक कोई वर्क ऑर्डर इशू नहीं होगा, तो प्राइवेटाइजेशन का फिलहाल एक तरह से रोक है। कोर्ट ने क्या लिखित में दिया या ओरली कहा है? ये ओरली कहा है, और ये उनके रिक्वेस्ट पे ओरली कहा है। कोर्ट ने बोला कि जो काउंसिल है उनके रिक्वेस्ट पे कि हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन आप इस चीज़ को अपने कॉरपोरेशन तक कम्युनिकेट कर दीजिए। और उसके बाद भी हो जाता है, जैसे ये ओरली है, रिकॉर्ड पे नहीं है, तो फिर कोर्ट का कदम क्या होगा? अगर उसके बाद अगर होता है, तो हम उस चीज़ को कोर्ट के नज़र के सामने लाएंगे, तो फिर कोर्ट को जो आदेश पारित करना रहेगा वो करेगी कानूनी। कोर्ट के अंदर हमारे काउंसिल ने जज साहब के सामने ये भी कहा कि मुमरा कौसा की जो आबादी है, उसमें अक्सरियत LIG लोअर इनकम ग्रुप और मिड इनकम ग्रुप का है, तो कॉरपोरेशन भी ये वाजे करे कि भाई ये अस्पताल जब बनेगा तो ये आम पब्लिक के लिए कैसे फ़ायदेमंद साबित होगा। देखो, हमारे को इस मामले को लेके तो ये लग रहा है कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि कोर्ट के ताल्लुक से जो भी मसला था, वो हमारे एडवोकेट साहब इन्होंने पूरी वो बातें आपके सामने रखी, लेकिन मेरा मसला जो था वो शुरू से 2017 से मेरी ये लड़ाई चालू थी, यही थी कि मुमरा कौसा की आवाम के लिए यह हॉस्पिटल फुल फैसिलिटी के तहत मिले, और 2019 में इसका काम बंद हो चुका था, इसका काम बंद हो चुका था। और यहाँ के जो हमारे चुने हुए आमदार है माननीय जितेंद्र आवार, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, ये टोटली फेलियर रहे मुमरा के विकास कामों के लिए। अगर ये चाहते तो इस हॉस्पिटल को इतना फुल फैसिलिटी वाला बनवा के लेते महानगर पालिका से कि आज आवाम को इलाज करने के लिए कलवा JJ हॉस्पिटल वगैरह कहीं पर भी जाना नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी दुख वाली बात तो ये है कि मुमरा कौसा के अंदर एक हॉस्पिटल ये लोग डिस्पेंसरी के नाम पे जैसा चालू हुआ ऐसा चालू कर दे, इतना बड़ा हॉस्पिटल जिसका बजट गालीबन 150 करोड़ रुपए के ऊपर चले जाता है, और उसके बावजूद ये हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाओ वहाँ पे आँख का इलाज नहीं होता है, कान का इलाज नहीं होता है, हड्डी का इलाज नहीं होता है, फ्रैक्चर अगर हुआ है तो आपको इमरजेंसी में कहीं और जाना पड़ता है, यहाँ तक के डायलिसिस वालों को भी नंबर लगाना पड़ते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है, पीस चैरिटेबल करके चलाते हैं, ऐसी बहुत सारी तंजीमें हैं, वो भी डायलिसिस के लिए लोगों को मदद कर रही है। तो इतना बड़ा हॉस्पिटल अगर हम लोगों को फुल फ्लैश तरीके से नहीं मिलेगा, तो एक तरीके से मुमरा वालों को विकास के नाम पे धोखा दिया जा रहा है जितेंद्र आवाड़ और उनकी कंपनी की तरफ से।
तो ये सारी चीजों को लेके मेरी यही लड़ाई रही है कि आवाम को मुमरा कौसा दीवा वगैरह जितने भी हमारे गिरदोनवा के इलाके के लोग हैं उनको इस हॉस्पिटल की फैसिलिटी जल्द से जल्द मिले और इस ताल्लुक से हमारी जद्दोजहद जो चालू थी तो उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट में जब ये मसला गया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी हल होने का पूरा हमको सामने ये नज़रिया जो दिख रहा है वो अल्लाह के करम से जल्दी चालू होगा।